पर अपने को पता नहीं यार कि गेट एग्जाम्स क्या होता है, डिटेल्ड में नहीं पता, समझ रहे हो? अपन सिर्फ सुने हुए हैं और अपने को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर अपने को जानना जरूरी है कि यार इससे क्या पता क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है। तो आज की वीडियो में भैया, आज की वीडियो में, एक वीडियो में आपके सारे फंडे गेट एग्जाम्स की रिगार्डिंग मैं क्लियर कर दूंगा। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो का टॉपिक है एवरीथिंग अबाउट गेट एग्जाम्स। तो आपने भी यार गेट एग्जाम के बारे में तो सुना तो होगा कि अरे वो दोस्त कर रहा है, वो थर्ड ईयर में कर रहा है, वो सेकंड ईयर में कर रहा है, अरे मैं तो गेट दूंगा ब्रो। पर अपने को पता नहीं यार कि गेट एग्जाम्स क्या होता है, डिटेल्ड में नहीं पता, समझ रहे हो? अपन सिर्फ सुने हुए हैं और अपने को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर अपने को जानना जरूरी है कि यार इससे क्या पता क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है। तो आज की वीडियो में भैया, आज की वीडियो में, एक वीडियो में आपके सारे फंडे गेट एग्जाम्स की रिगार्डिंग मैं क्लियर कर दूंगा कि गेट एग्जाम क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कब उसकी प्रिपरेशन शुरू करनी है, कैसे उसकी प्रिपरेशन शुरू करनी है, क्या मैं कोचिंग लूँ नहीं लूँ, ऑनलाइन पढ़ूँ ऑफलाइन पढ़ूँ, सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं क्या, वो सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो की बेसिक सुमेर भाई ने लाइक टारगेट रखी 800 लाइक, तो वीडियो को फटफट लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि गेट एग्जाम्स है क्या। तो देखो यार, अभी करंटली आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको इंजीनियरिंग के बाद समझो हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, जैसे एमटेक करने के लिए जाना है, पीएचडी के लिए जाना है, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होती है। जैसे अपन 12वीं में कैसे एंट्रेंस एग्जाम देते थे जेईई, उसी तरह से इंजीनियरिंग के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होती है जिसको कहते हैं गेट एग्जाम्स। उस एग्जाम के देने के बाद आपको स्कोर आएंगे, उसके बेसिस पे आप कॉलेज सिलेक्शंस होंगे। तो आप गेट एग्जाम्स देने के बाद, आपका सपना था कि यार मैं आईआईटी में जाऊँ लेकिन 12वीं में नहीं हुआ, तो आप ये सपना वापस अभी पूरा कर सकते हो। तो अभी अपने कॉलेज में उतनी प्लेसमेंट नहीं है, पर गेट एग्जाम देख के आप हायर कॉलेजेस में, टॉप कॉलेजेस में जा सकते हो, उधर प्लेसमेंट भी तगड़ी होगी, अपॉर्चुनिटीज भी तगड़ी होगी। तो ये पहला बेनिफिट है। पर मोटा मोटा गेट एग्जाम क्या है, एक एंट्रेंस एग्जाम है, इतना क्लियर है। दूसरा, सिर्फ एमटेक के लिए ही गेट एग्जाम काम की नहीं होती, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो गवर्नमेंट जॉब्स उधर होती है, तो वो हायर करती है गेट एग्जाम के बेसिस पे। तो अपने गेट एग्जाम में अच्छे स्कोर किए हैं तो आपके स्कोर के बेसिस पे आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके साथ साथ आप मास्टर्स, कुछ कंट्री है जैसे जर्मनी हो गई और उसके साथ सिंगापुर हो गई, वो गेट एग्जाम स्कोर एक्सेप्ट करती है, तो आप मास्टर्स करने भी गेट एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे जा सकते हो। और इसी तरह से आप MBA की भी कर सकते हो, तो कुछ प्रोग्राम्स है जिसके थ्रू आप गेट एग्जाम जो एक्सेप्ट करता है और उसके हेल्प से आप MBA भी कर सकते हो। तो ये मोटे मोटे कुछ छोटे से बेनिफिट्स थे, मैं जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में, पर मोटा मोटा अगर मैं बताऊँ गेट एग्जाम क्या है, तो एक एंट्रेंस एग्जाम है भाई, इतना क्लियर है। अब ये कंडक्ट कौन करवाता है एंट्रेंस एग्जाम, ये कंडक्ट कराते हैं IITs, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एंड जो टॉप 7 IIT थी वो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, क्योंकि JEE कौन कराता है, JEE भी IITs कराती थी और ये भी IITs करवाती है। 100 मार्क्स का पेपर होता है भाई, क्लियर है, उसमें से 25 से 28 मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं, साल में एक ही बार होता है, 7 लाख से 10 लाख लोग देते हैं जिसमें से कुछ 20% लोग उसको क्वालिफाई कर पाते हैं। 25 मार्क्स ही सुमेर 100 में से, फिर भी इतना कम मार्क्स, थोड़ा पेपर का लेवल जो होता है वो थोड़ा टफ होता है, JEE जितना टफ नहीं कह सकते, मतलब उस टाइम जितना था अपने को प्रेशर था उतना नहीं होता, लेकिन टफ तो होता है थोड़ा। पर अगर आप इंजीनियरिंग में अच्छे से प्रिपेयर, पढ़ाई की थी, तो आप इसको अच्छे से क्रैक कर पाओगे, क्योंकि 70% जो इसका सिलेबस है वो गेट से, इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो गेट से मैच करता है। इसमें 3 सेक्शंस आते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है, आपका एप्टीट्यूड आता है, और आपके इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स आते हैं, इन दोनों को मिला के आपको पेपर आएगा। तो कुछ 15 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है, 15 मार्क्स तक का एप्टीट्यूड होता है, और 70 से 72 मार्क्स का आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं। तो मोटा मोटा अगर वापस में पूछूँ तो क्या होता है गेट एग्जाम, एक एंट्रेंस एग्जाम्स है जो हायर स्टडीज़ के लिए काम आती है, जैसे एमटेक करना है, पीएचडी करना है, साथ में पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट भी इसको लेके हायर करती है, और साथ में मैं MBA और MS के लिए भी उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मोटा मोटा समझ गया कि गेट एग्जाम क्या है। हाँ सुमेर भाई समझ गया, अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। आपने थोड़ा थोड़ा बताया कि यार एमटेक कर सकते, क्या हो सकता है, फायदे क्या है गेट एग्जाम के, मेरे को बताओ। तो चलो देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। ओके, तो अब देखते हैं क्या है गेट एग्जाम्स के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। यार मैंने गेट एग्जाम दे दिया तो उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज क्या, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं गेट एग्जाम्स के, तो चलो वो समझते हैं। तो सबसे पहले अगर पहला जो बेनिफिट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस होती है, मैं आपको बेसिक सा बताना चाहता हूँ कि भाई सुमेर यार मेरा सपना था कि मैं IIT में जाऊँ लेकिन मैं नहीं जा पाया, अपने को यार टायत्री कॉलेज मिली है, कुछ हो गया था, एग्ज़ाम सही से नहीं दे पाया था, पर ड्रीम था, तो वो ड्रीम आप अभी भी पूरा कर सकते हो गेट एग्ज़ाम्स के थ्रू, क्लियर है। उसके साथ साथ सुमेर भाई मेरा ना यार कॉलेज में उतनी प्लेसमेंट नहीं आती, मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि कॉलेज में उतनी तगड़ी प्लेसमेंट नहीं है, तो मुझे कुछ तो करना है।
तो कुछ करने के लिए गेट एग्जाम्स दे सकते हो, अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो और IITs और टॉप कॉलेजेस में जा सकते हो जहाँ पे पैकेजेस बहुत तगड़े, समझ रहे हो क्या? तो अपने को अभी पता है यार अपने यहाँ पे तो कुछ नहीं है यार, यहाँ पे बंजर है, तो अपन हरियाली में जा सकते हैं गेट एग्जाम्स के थ्रू, क्लियर है? तो आप IITs और टॉप कॉलेजेस में जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ गेट एग्जाम्स। तो उसमें आ जाता है भाई MTech और आप PhD करने टॉप कॉलेज में जा सकते हो। उसके बाद आप MS करने भी अब्रॉड जा सकते हो जहाँ पे गेट एग्जाम स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है, जर्मनी और सिंगापुर गेट एग्जाम स्कोर एक्सेप्ट भी करता है। और वहाँ पे यार ये जो MTech करने का PhD करने के फायदे क्या है सो मेरे को पहले यार इसके बेनिफिट बताओ। ये तो मैं कर सकता हूँ, आपने बताया इसके बेनिफिट्स के, इसके बेनिफिट है सबसे पहला है कि आपको पढ़ने का, MTech जब आप पढ़ते हो आपको पर मंथ गवर्नमेंट आपको पैसे देंगे कि यार तू पढ़ रहा है ना, हायर एजुकेशन ले रहा है ना भाई, तो ये ले तू पैसे ले। तो 12,400 रुपये स्टाइपेंड आपको पर मंथ मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, पर उसके लिए आपको हफ्ते में 8 घंटे कुछ थोड़ा काम करना पड़ता है, जिसको कहते हैं हाफ टाइम कह सकते हैं कि जो अपन टीचिंग असिस्टेंट होते हैं, तो हाफ टाइम टीचिंग असिस्टेंट की तरह से अपने को काम करना पड़ता है, जो लैब असिस्टेंट होते थे ना उसी तरह से, तो उस तरह से अपने को बेसिक से 8 घंटा काम करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपको 12,400 रुपये पर मंथ मिलते हैं। तो यार वो तो सही है, मतलब कि मेरे को पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं हर मंथ। हाँ, आपको पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ सेकंड इसका बेनिफिट क्या है, सेकंड बेनिफिट है कि आपको हायर पैकेजेस मिलेंगे। जैसे कि आप गेट एग्जाम MTech करने जाओगे तो यार MTech में हायर पैकेजेस रहेंगे जो अभी अपने यहाँ पे कॉलेज में उतने नहीं है। तो अगर आप जब टॉप इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो उधर पैकेजेस हायरेंगे और एक्स्ट्रा पर्क्स क्या है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे कॉलेज में उतना एनवायरनमेंट नहीं है, पर जब मैं टॉप इंस्टीट्यूट में जाऊंगा ना तो वहाँ पे माहौल रहता है। आप ही समझो कि यार IIT में माहौल क्या होगा, टॉप कॉलेज में माहौल क्या होगा, उधर दुनिया के स्मार्टेस्ट लोग आते हैं। तो यार वहाँ पे वैसे अपने को जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो अभी आपको करंट कॉलेज में शायद से नहीं मिल रही, पर वहाँ आपको मिल सकती है। तो अगर आपके अभी कॉलेज में अच्छे पैकेजेस नहीं हो रहे तो आप वो करने जा सकते हो, मतलब यार समझ लो कि यार वैसा नहीं चल रहा है, आप सोच रहे हो कि मेरे को और अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी है, तो आप MTech करने जा सकते हो, PhD करने जा सकते हो और उसी के साथ साथ आप MS भी जा सकते हो गेट के थ्रू। इतना क्लियर है? PhD अगर आप कर रहे हो तो आपको 5 साल की PhD होती है भाई, तो पहले 2 साल आपको 25,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगी पर मंथ, और उसके बाद जो 3 साल है वहाँ पे आपको 28,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेंगे, तो आपको पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं। सेकेंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, सेकेंड अपने को PSU, जो आपने मैंने बताया था कि गवर्नमेंट जॉब्स की अवेलेबल होती है, तो वहाँ पे HALA, NPCLA, GALA, IOCLA, BHALA और 50 से ज़्यादा PSU है जो गेट एग्ज़ाम के बेसिस पर हायरिंग करती है। देखो यार मैं आपको बेसिक से कहना चाहता हूँ, क्या होता है ना कि कंप्यूटर साइंस वाले और IT वाले को तो जॉब मिल जाती है भाई, बाकी जो डिपार्टमेंट है उनके लिए यार उतनी अपॉर्चुनिटी अपने आप इंडिया में उतनी नहीं है यार जितनी कंप्यूटर साइंस और IT वालों के लिए। पर यार PSU के थ्रू यार आप कोर जो आप पढ़ रहे हो उसके रिगार्डिंग ही जॉब्स ले सकते हो, समझ रहे हो क्या? तो अगर आप गेट एग्ज़ाम में तगड़ी तैयारी करो और अच्छा स्कोर करो, तो PSU के लिए यार 70 से ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है गेट एग्ज़ाम में, पर अगर अच्छा स्कोर करो तो यार आप गवर्नमेंट जॉब्स ले सकते हो। और गवर्नमेंट जॉब्स के बेनिफिट्स आपको पता ही है, वो मेरे को ना मतलब पूछा गया था, मैं गाँव गया था तो मेरे को पूछा क्या करते हो, मतलब मैं वीडियो बनाता हूँ, बोलता वो सब तो ठीक है, काम क्या करते हो, मैं बोला पढ़ाता हूँ वीडियो बनाता हूँ, बोलता काम क्या करते हो, बोला यही तो काम करता हूँ, बोलता लगता नौकरी नहीं लगी क्या, बोला नौकरी, बोलता यार थोड़ी सी मेहनत कर लो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो समझ रहे क्या? तो वो यार भाई सबसे पहला पर्क है कि आपको जॉब स्टेबिलिटी रहती है, सेकंड आपका पर्क है कि आपको हायर पैकेजेस रहता है, मतलब यहाँ पे पैकेजेस PSU में 8 लाख से शुरू होते 15 लाख तक लगते हैं, थर्ड है कि आपको जो गवर्नमेंट जॉब के यार बहुत सारे एक्स्ट्रा पर्क होते हैं, रिश्तेदारों से भी इज्जत मिलती है। तो समझ रहे क्या? तो बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के पर्क्स होते हैं तो वो भी आप ले सकते हो। इसके साथ साथ एक और करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है, वो है कि यार सुमेर भाई मेरे को तो यार MBA करना था, आपने यार इंजीनियरिंग बोलते हो कि MBA करना है, तो आप यार MBA भी कर सकते हो, तो NITE से कर सकते हो, NIT मुंबई, नीति मुंबई, वहाँ पे भाई ये गेट स्कोर के बेसिस पे आप MBA कर सकते हो। गेट स्कोर अपन ने दिया, लोग बोलते हैं यार कि मैं गेट दूँगा MBA करने के लिए जाऊँ, तो आप गेट दो और उसके बेसिस पे आप MBA के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। इतना क्लियर है? और इधर भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा 12,400 रुपये का, और साथ में यहाँ से जब आप MBA कर लोगे तो यहाँ पे एवरेज पैकेज 15 लाख से शुरू होता है भाई, मतलब एवरेज जो पैकेज है वो 15 लाख रुपये। इसी के साथ यार कुछ लोग MBA में मतलब 15 साल का जो PhD होता है वो करना चाहते थे, तो वो भी आप कर सकते हो भाई IIM की तरफ से, तो फेलोशिप प्रोग्राम होता है इन मैनेजमेंट फ्रॉम IIM, यहाँ पे आपको जो PhD में बोला था यहाँ पे आपकी जो स्टाइपेंड होती है वो 20,000 से 30,000 रुपये होती है पर मंथ आपको मिलती है। तो आप अगर मैनेजमेंट में और डिटेल में पढ़ना चाहते थे मैनेजमेंट में, तो भी आप फेलोशिप प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हो। तो यार इतने सारे बेनिफिट्स है, लोगों को पता ही नहीं होता कि यार गेट एग्ज़ाम मतलब सिर्फ MTech, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आप गेट एग्ज़ाम के थ्रू अपील कर सकते हो, और मतलब ये अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार सुमेर भाई, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है गेट एग्जाम्स का, मेरे को ज़रा बताओ यार, मतलब कि कौन एलिजिबल है इसके लिए। तो बेसिक सा, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आप थर्ड ईयर में ये एग्ज़ाम दे सकते हो, आप एलिजिबल हो, थर्ड ईयर में एलिजिबल हो, फाइनल ईयर में भी एलिजिबल हो। तो पहले कैसा था कि सिर्फ फाइनल ईयर में दे सकते हो, पर अभी ऐसा नहीं है, आप थर्ड ईयर में भी एग्ज़ाम दे सकते हो, उसी के साथ साथ आप ये एग्ज़ाम फाइनल ईयर में भी दे सकते हो, इतना क्लियर है, और पास आउट भी दे सकते हो। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सुमेर भाई, अगर मैं थर्ड ईयर में इसको दे रहा हूँ तो एक साल के ही होता है यार, एक साल के बाद तो यार मैं फाइनल ईयर में आऊँगा तो मेरा स्कोर वैलिड इनवैलिड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये जो स्कोर होता है ना गेट का, ये 3 साल तक रहता है, तो आप जो भी बेनिफिट्स है 3 साल तक उसको अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है। तो आप थर्ड ईयर में भी दे सकते हो, फाइनल ईयर में भी दे सकते हो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स। उसके अलावा समझो आप MSc कर रहे हो, MA कर रहे हो, MCA कर रहे हो और उसके इक्विवेलेंट कर रहे हो, तो उसके आप समझ यार अपन इधर आ गए, तो आप MSc का जो, क्योंकि 2 साल ही का ही होता है, तो आप उसके फर्स्ट ईयर में भी दे सकते हो, उसके सेकंड ईयर में भी दे सकते हो, क्योंकि लास्ट सेकंड ईयर हो जाएगा, और पास आउट भी दे सकते हो, क्लियर है। तो अब इस तरह से इसकी एलिजिबिलिटी होती है मोटा मोटा। सर क्वेश्चन आता है कि यार सुमेर भाई, वेन टू स्टार्ट, एलिजिबिलिटी समझ लिया, बेनिफिट समझ लिया अगर, पर गेट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर दी है तो कब से शुरू करनी है? तो अगर मेरे को पूछा जाएगा तो मैं तो मोटा मोटा बोलूँगा कि यार फर्स्ट ईयर से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दो। मेरा जो दोस्त था जिसने मेरे को सिखाया कि पढ़ाया कैसे जाता है, और मेरे जिसने इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर किए, एक बार मैं उसके घर गया था ना, तो भाई वो फर्स्ट ईयर से गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, और फिर वो IIT दिल्ली क्रैक करके अभी IIT दिल्ली में पढ़ के अब अच्छी जगह जॉब कर रहा है। तो अपना माइंडसेट जो है ना, वही फर्स्ट ईयर से क्लियर होना चाहिए कि अपने को गेट एग्ज़ाम देना है, डाउट में नहीं रहना चाहिए, क्लियर है। फर्स्ट ईयर में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 रहेगा, तो ये दोनों सब्जेक्ट पे बहुत फोकस करना, और कोर तैयारी आप सेकेंड ईयर से शुरू कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुमेर भाई, अगर अच्छे से क्वालिफाई करना है और तगड़ा स्कोर करना है तो मिनिमम कितना टाइम चाहिए? तर किसी ने तो यार 105 दिन में भी फर्स्ट रैंक लाया था प्रिपेयर करके, लेकिन अपन उनमें नहीं है भैया, क्लियर है। तो अपने को यार 1 साल से 1.5 साल तगड़ी तैयारी करोगे तो आप गेट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यार वो 3 महीने वाला मत रखो, मैं तो कहूँगा आप 1 साल से 1.5 साल दो, कॉलेज के साथ भी कर रहे हो प्रिपरेशन, अच्छे से प्रिपरेशन करो, तो 1 साल से 1.5 साल तो दो भाई उसकी प्रिपरेशन के लिए, तब आप अपन अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो ना, उनको अच्छे से पढ़ो, तो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके गेट के लिए। तो वेन टू स्टार्ट समझ गया कि आप अपने फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग मैथ पे तो फोकस करो, सेकंड ईयर से आप इसकी तगड़ी तैयारी शुरू कर सकते हो, इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि हाउ टू स्टडी। सुमेर भाई, इसकी जो प्रिपरेशन है वो कैसे करूँ, क्या मैं कोचिंग लूँ या फिर नहीं लूँ, ऑनलाइन पढ़ूँ, ऑफलाइन पढ़ूँ, सेल्फ स्टडी करूँ, तो इसका फंडा बता दो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं यार कोचिंग, यार कोचिंग लेना बुरी चीज़ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं कोचिंग अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आप कोचिंग ले सकते हो। अब कोचिंग के फायदे क्या, मैं क्या बताता हूँ कि यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चीज़ें मिल जाएगी, क्लियर है, जो आपको नॉर्मली नहीं मिलेगी। अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो आपको खुद ये सब बतोड़ने पड़ेंगे, तो अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो इसके बेनिफिट्स क्या है कि आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में मिलेगा, और दूसरा एक डिसिप्लिन रहता है, अरे समझ रहे हो क्या, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो तो उधर डिसिप्लिन रहता है कि यार उधर माहौल रहता है कि यार लोग भी मिल रहे हैं अपने को, और वो सब प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपन भी प्रिपरेशन करते हैं, इतना क्लियर है। तो कोचिंग नुकसान नहीं है, अगर आप कर पा रहे हो तो ज़रूर करना चाहिए, क्लियर है। एक क्या सीन है पता है कि कॉलेज अपनी 7 दिन होते हैं, उसमें से 5 दिन कॉलेज होती है, कोचिंग जो होती है ना वो 8-8 घंटे की होती है, समझ रहे हो क्या? तो यार अपन 1 घंटे ही पढ़ पाते, उधर 8-8 घंटे का लेक्चर है, तो अपना जो पहली चीज़ है कि आप बढ़ा पा रहे हो अपना विल पावर फोकस करने का, तो उसको बढ़ाओ, या फिर नहीं बढ़ा पा रहे हो तो या फिर आप ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हो। अब तो यार बड़े बड़े कितने सारे इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी सही है। तो ऑफलाइन यार थोड़ा ज़्यादा खींचते बोलो, 8-8 घंटा करते हैं, तो अपनी उतनी कैपेसिटी है तो यार आप ऑफलाइन कोचिंग में जा सकते हो, नहीं है तो आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हो। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करती है। और पहले क्या प्रॉब्लम थी कि आप डाउट नहीं पूछ सकते, ऑफलाइन में तो फटाक से पूछ सकते हो यार एक ऐसी ने, पर ऑनलाइन में लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ आ गई कि आप डाउट सॉल्विंग भी करा सकते हो, तो वो सही है कि आप ऑफलाइन भी जा सकते हो कोचिंग, ऑनलाइन भी जा सकते हो। ऑनलाइन अपन अपने टाइम पे पढ़ सकते हैं, लेकिन फंडा इतना ही है कि डिसिप्लिन अपने को लाना पड़ेगा, क्योंकि उधर माहौल अपने को थोड़ा कम मिलता है, क्लियर है। तो अपने को खुद से बैठ के पढ़ना पड़ेगा, तो ऑनलाइन में खुद से करना पड़ता है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मेट और चीज़ें यहाँ पे भी सारी मिल जाती है। और खासियत है कि यार अपने को 8-8 घंटा नहीं बैठना, अपन 1-1.5 घंटा थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके बैठ सकते हैं और अपन अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो कोचिंग का फंडा क्लियर हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन का भी फंडा क्लियर हो गया। ऑफलाइन 8-8 घंटे की अगर कैपेसिटी है तो बैठो, नहीं है तो ऑनलाइन कर सकते हो। ऑफलाइन में बुरा नहीं है, माहौल मिलता है, ऑनलाइन में अपन अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं सेल्फ स्टडी पे, नॉट विदाउट कोचिंग। क्या विदाउट कोचिंग गेट क्रैक की जा सकती है? गेट क्रैक की जा सकती है विदाउट कोचिंग, बहुत लोगों ने की है, लेकिन आपको खुद को डिटरमाइन होना ज़रूरी है,
सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है खुद के लिए। कहाँ से पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, देखो अगर आप अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी तगड़े कर लो तो 70% आपका सिलेबस वहीं मैच कर लेता है। तो जो भी है पहले एक लिस्ट निकाल लो कि यार मेरे इंजीनियरिंग में कौन से ऐसा सब्जेक्ट है जो गेट के सिलेबस से मैच करते हैं, और इंजीनियरिंग में उन पे ज़्यादा फोकस करो, अच्छे से पढ़ो कि इनको सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, इनको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है क्योंकि गेट एग्जाम में काम आने वाले हैं। मैच द कॉलम कर लो भाई, सिंपल सा बात। सेकंड है कि जो दूसरे कॉन्सेप्ट हैं उनको यूट्यूब से पढ़ना है। लोगों को बड़ी बड़ी किताबों से डर लगता है, भाई यार मैंने अपनी इंजीनियरिंग यूट्यूब से पढ़ी और फिर मैंने बहुत लोगों को यूट्यूब से पढ़ा है, क्लियर है, तो खुद से क्यों मेहनत करनी यार, लोगों ने इतने बड़े यार अच्छे अच्छे वीडियो बनाए उनसे पढ़ो ना। तो सारी जगह एक जगह नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें एक जगह पर नहीं मिलेगी, अपने को अपने 4-5 यूट्यूब चैनल ढूंढने यार कौन सा सही पढ़ा रहे हैं, और वहाँ से हर जगह से अपने को थोड़ा थोड़ा बटोरना है और अपना स्ट्रक्चर फॉर्मेट लाना है। बहुत लोगों ने रोड मैप बनाए वो तो समझने का, क्लियर है। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए तो थोड़ी तो मेहनत ज़्यादा लगेगी, अपने को परोसा हुआ तो नहीं मिलेगा, पर कर सकते हो। तो सेल्फ स्टडी का प्रिपरेशन क्या है कि अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, सिलेबस निकालो कि कौन से इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से मैच करते हैं और उन पे ज़्यादा फोकस करो। सेकंड, यूट्यूब से पढ़ो, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं उनसे पढ़ो। और थर्ड है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, और बस इतना भी कर लोगे ना, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे, वैकेशंस मिलेंगी उनमें रिवीजन करोगे तो आप आराम से गेट क्वालिफाई भी कर सकते हो और अच्छा खासा उसमें स्कोर कर सकते हो। इतना क्लियर है, क्लियर है। अब सवाल आता है कि सुमेर भाई गेट एग्जाम देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन। तो यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ ऐसे ही दे रहे हो क्योंकि आपका दोस्त दे रहा है तो मत दो, समझ रहे हो क्या? आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। आपको फायदे मैंने बता दिया, अपॉर्चुनिटीज बता दी, अब आपके अंदर आना चाहिए कि क्या मुझे देनी है, समझ रहे हो? तगड़ी तैयारी करो। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ क्वालिफाई कर लेते हैं और ठीक ठाक एमटेक कर रहे हैं और उधर उस जिस कॉलेज में कर रहे हो उधर अच्छी प्लेसमेंट ही नहीं है। तो यार तुम्हारे इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट नहीं दी थी फिर भी तुम एमटेक कहीं और करके आ रहे हो, वहाँ पे भी प्लेसमेंट नहीं है, तो फिर क्या है यार, फिर तुम अपने 2 साल की बर्बाद कर रहे हो। मेरा सिंपल सा है कि अगर गेट में अच्छे स्कोर करोगे, अच्छी कॉलेज में जाओगे, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है तो करो ना, अगर अपॉर्चुनिटी बढ़नी है नहीं है तो यार फिर जॉब कर लो ही, मेरा तो ऐसा कहना है भाई। तो अपने को प्रैक्टिकली सोचना है कि अगर मैं इससे क्या ये मेरे को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, दे तो रहा है, तो मैं उतनी एनर्जी इसमें डालूंगा ताकि मैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज पे दूँ। गेट एग्जाम पे मेहनत करोगे तो अच्छा स्कोर करेगा, पर यार यहाँ पे मेहनत नहीं करोगे, मुंह उठा के जाओगे यार कि 3 महीने पहले पढ़ लिया, दोस्त दे रहे तो मत करो भाई, अच्छे से फुल फोकस करो और समझो कि यार ये मेरे लिए कितना हेल्पफुल है, और उसके बाद डिसाइड करो। और जब डिसाइड करोगे तो फिर अपन ने यार वो है कि ठान लिए, एक बार तो ठान देनी है, ठान लिया तो फिर अपने को कोई नहीं रोक सकता, पूरी मेहनत करनी है भाई और फोड़ना है एग्जाम्स में, और तुम कर सकते हो, मेरे को तुम पे बिलीव है। तो 3 महीने वाला मतलब होगा, अगर 3 महीने में उसने तैयारी कर ली तो मैं करूँगा, मेरे को टाइम लगेगा मेरे को पता है, पर मैं करूँगा ज़रूर। इस वाला डिटर्मिनेशन करोगे ना तो फोड़ दोगे तुम लोग। तो ये मोटा मोटा फंडा था भाई ये गेट एग्जाम्स का। सो कुछ यूट्यूब चैनल्स है और कुछ वेबसाइट्स है जो गेट की प्रिपरेशन करवाती है, कुछ फ्री यूट्यूब चैनल्स है, कुछ पेड वेबसाइट्स है, और सब रिसोर्सेज है, उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए तो आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके मैंने जो आपको प्रॉमिस किया था मैं आपके गेट के सारे फंडे क्लियर करूँगा, तो अपन ने तो कर लिया भाई। तो आपको एक प्रॉमिस करता हूँ कि अपने दोस्तों को शेयर करो, यार आप सुमेर भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो, तो मेरी मेहनत रंग लाएगी यार, सुमेर भाई ने वीडियो बनाई मेहनत करके, अपन ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दी ताकि उनके भी गेट के फंडे क्लियर हो जाए, ये मेरे लिए यार बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और आप कौन सा वीडियो नेक्स्ट चाहते हो उसके लिए कमेंट करो कि सुमेर भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो सुमेर भाई आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो लेके आएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अपन ऐसे अमेजिंग वीडियो लेके आते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गेट एग्जाम्स।